असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रति इस राष्ट्र को मैं नमन करता हूँ। श्री राम स्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज की दैनिक्यमान प्रतिष्ठा और इसमें आप सभी की शिक्षा के प्रति निष्ठा को मैं नमन करता हूँ। जिसकी छाव में यह विद्यालय फलफूल रहा है, ऐसी जिसकी छाव में यह विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसी कृतज्ञता के अद्भुत एवं जीवन सौंदर्य के पारखी समस्त गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ। इस विद्यालय को अपनी असीम मेहनत और खून पसीने से सींचने वाले समस्त शिक्षक समाज को मैं नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जो मेरे अंदर वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सभी के अंदर श्रोता बनकर सुन रहा है, तथा इस विद्यालय प्रांगण के कण कण में विद्यमान होकर हम सभी को देख रहा है कि हम मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज इस पावन अवसर पर मुझे ऐसे लोगों के समक्ष अपने विचार व्याख्यान करने का अवसर मिला कि जो अभी जिन्हें जीवन संघर्ष में कूदना है, अभी हमारे आगे अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमारे सामने संघर्ष शुरू हुआ है, अभी तो हमारे सामने बहुत संघर्ष है। हमारे देश को आजाद हुए 72 साल हो गए हैं। हमारे देश में गणतंत्र है, लोकतंत्र है, सब कुछ है, परंतु फिर भी हमारे देश का कानून इतना सख्त नहीं कि हमारे देश में अभी भी राष्ट्रद्रोही बन रहे हैं। इन राष्ट्रद्रोहियों को हम लोग कहें कि कोई सरकार बाहर निकाले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम उन्हें अपने इस समाज में रहने ही ना दें, इस समाज से उनका तिरस्कार कर दें, तो उस पर अवश्य ही हमारे देश से पैर जमे हुए हैं, वो तो स्वतः ही उठ जाएंगे, उन्हें बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे देश में ऐसे ये देशद्रोही हैं, इन्हें हमें बहिष्कार करके इनका और हमें इस देश को अखंड रखना है। लोग कुछ निराश लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र तो बहुत बड़ा है, इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि जो भी निराश रहते हैं उन सभी लोगों के लिए मेरा कहना है, तो खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे चलने की तो वक्त को तलाश है, तू चल तेरे चलने की तो वक्त को तलाश है। और जो मुसीबतें रहती है, लोग कहते हैं कि हमारे सामने भाई हमारी गरीबी है या कुछ भी है, चाहे जो भी मुसीबतें रहती है, इनके लिए कहना है कि जो खुद से लिपटी बेड़िया, जो खुद से लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र को, और ये इन बेड़ियों को निकाल कर बना ले शत्रु, बना ले तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में हमारे देश में तो हमें घुसीने में डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी किसी की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते लड़ते प्राण दे दिए। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। वास्तव में हमारे देश का उद्धार स्त्रियां कर सकती है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्त्रियां जो होती है वे अपने बच्चों की गुरु होती है, वह अपने बच्चों को जैसी शिक्षा दे वैसे ही बच्चे ढलेंगे, और जब बच्चे वैसे ढलेंगे तो देश का विकास ही होगा। अतः महारानी लक्ष्मीबाई जो की इतनी वीर थी,
भी छूटा है। अरे तुम्हें गगन के तारे गिनना, तुम्हें गगन के तारे गिनना, अगर मगर को छोड़कर सारी रातें रखोगे में सपने तोड़ मरोड़ कर, सपने तोड़ मरोड़ कर। हमें किसी की आजादी अधीन का स्वीकार नहीं होगी। अब हमें इस लोग कहते हैं कि इस देश को कैसे किया जाएगा, इसको एक बार पकड़ने का रास्ता क्या है। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि एक बार विनोबा जी के समक्ष कुछ विद्यार्थी मिलने के लिए गए, तो उन विद्यार्थियों से विनोबा जी ने कहा कि आप भारत में नक्शा बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों ने कहा हाँ बना सकते हैं। तो विनोबा जी ने कुछ कागज के टुकड़े लिए और उन विद्यार्थियों को दिए और कहा एक टुकड़ों से तुम्हें एक भारत का नक्शा तैयार करना करो। सभी विद्यार्थियों ने अथक प्रयास किया परंतु उसमें सफल ना हो सके। अंततः एक नौजवान उन्हीं के पास में बैठा हुआ था, वो ये सब ध्यान से देख रहा था। उसने उनसे पूछा कि यदि आप ही आज्ञा हो तो मैं इस नक्शे को जोड़ सकता हूँ। विनोबा जी ने कहा ठीक है आप भी जोड़िए। तो उसने कुछ ही क्षण में वो नक्शा तैयार कर दिया। तो इस पर सभी ने उससे प्रश्न पूछा कि आपने इतनी जल्दी से ये नक्शा कैसे तैयार कर दिया। तो उस नौजवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि इस नक्शे के पीछे मनुष्य का चित्र है, मैंने उस मनुष्य के चित्र को जोड़ा तो ये देश, इस देश का नक्शा अधूरा ही बन गया। इसी प्रकार यदि हम देश को अखंड रखना चाहते हैं, इस देश को जोड़े रखना चाहते हैं, तो हमें मनुष्य को जोड़ना होगा, ना कि हमें किसी और चीज को करने की आवश्यकता है, तभी हमारा देश अखंड हो जाएगा। और हमें इस हो सकता है कि कुछ कहीं पर कुछ परेशानियां आए, लेकिन हमें परेशानियों से घबराना नहीं है। जब कोई भी सेना के जवान वहां पर जाकर अपने आतंकवादियों की तलाश करते हैं तो उन्हें अपनी जान तक की बाजी लगानी पड़ जाती है। तो ऐसे वीर जवानों के लिए मेरा कहना है कि जितने तक सौर्य गूंजेगा स्वयं दिलवान बदलेगा, जितने तक सौर्य गूंजेगा स्वयं दिल मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, कि विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ को मत करो धूमिल, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ को मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा हिंदुस्तान बदलेगा, लगन जो दे सुख जागी हर एक सो नहीं सकती, लगन जो दे सुख जागी हर एक सो नहीं सकती, इस जिस्म के घात होने पर सौरभ हो नहीं सकती, भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, सादत की मगर कोई कीमत हो नहीं सकती, सादत की मगर कोई कीमत हो नहीं सकती, अगर माटी के पुतले ने हमें ईमान जिंदा है, कि अगर माटी के पुतले ने हमें ईमान जिंदा है, तभी इस राष्ट्र की समृद्धि का अनुमान जिंदा है, बिना भाषण से